दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। दोस्तों स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन बेटर देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो मिड कैप इंडेक्स है, मार्केट है, ओवरऑल सभी में हमें गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट भी गिरा, क्रिप्टो मार्केट भी गिरा और उसी के साथ साथ विक्स भी ऊपर गया। बट यहाँ पर जो अपना जो मार्केट है उसमें भी गिरावट हुई, बट IRFC में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। मॉर्निंग के टाइम दोस्तों IRFC में भी गिरावट थी, बट एंडिंग के टाइम अगर आप देखेंगे तो चीज़ें चेंज होते हुए नज़र आई एंड स्टॉक ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिली है। आगे के लिए क्या व्यू रहेगा मेरा इस स्टॉक को लेके एंड उसी के साथ साथ कौन सा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, और कौन सा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जो कि स्टॉक को 250 के लेवल्स तक पहुँचा देगा। ठीक है दोस्तों, अभी के टाइम स्टॉक क्या है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। रेंज कैसी दोस्तों, ये होती है रेंज, जैसे कि एक अपर साइड का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, एक लोअर साइड का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्टॉक क्या कर रहा है अभी के टाइम, ये एक बहुत बड़ी रेंज स्टॉक के लिए बन चुकी है। अब ये रेंज कौन सी है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर स्टॉक लोअर साइड की जो रेंज है वो ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट के भी चांसेस बन सकते हैं। अगर स्टॉक यहाँ पर अपर साइड की जो रेंज है इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ी तेजी के भी चांसेस बन सकते हैं, जिसमें अपर साइड की रेंज ब्रेक होने पर 250 के लेवल्स तक भी दिख सकते हैं, ये चांसेस है। एंड अगर लोअर साइड की रेंज ब्रेक डाउन होती है तो 150 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो ये रेंज कौन सी है वो भी हम जानेंगे, और उसी के साथ साथ अभी के टाइम आगे के लिए क्या व्यू रहेगा IRFC में मेरा, तो वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का अगर डेटा देखा जाए तो स्टॉक आपका ओपन होता है 186-193 रुपीज़ तक का हाई लगाता है, लो लगाता है 184 रुपीज़ तक का। तो एक लो रेंज देखने को मिलती है, एक हायर रेंज हमें यहाँ पे नज़र आती है। हायर रेंज जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट में हमें देखने को मिलती है, एक अच्छी बाइंग हमें नज़र आती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यह है कि स्टॉक माइनस से आपका प्लस तो गया है, बट वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी भी कम है। ये चीज़ यहाँ पे मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। अभी के टाइम अगर आप देखेंगे ट्रेड्स वॉल्यूम आपको नज़र आएगी 4 करोड़ की, ठीक है, ट्रेड्स वॉल्यूम 4 करोड़ की, ट्रेड्स वैल्यू जो है वो 780 करोड़ की, जिसमें से सिर्फ 20% स्टॉक ही डिलीवर हुए हैं। मतलब ये है कि स्टॉक जो जंप किया है अभी के टाइम, उस जंप में पहली चीज़ तो जो बायर्स थे या फिर सेलर्स थे, मतलब जो भी हो, वॉल्यूम्स वहाँ पे कम हुआ है। अगर कोई बड़ा प्लेयर एंटर होता तो वहाँ पे वॉल्यूम एक बहुत बड़े लेवल्स का होता, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स हमें कम देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी के टाइम अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो डिलीवरी जो है वो थोड़ी बहुत कम हुई है। जैसे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो डिलीवरी थी वो 30% के आसपास थी, बट अभी 20% की डिलीवरी ही रह चुकी है। मैक्सिमम लोगों ने ये किया है कि आज के दिन कल के दिन के लिए बहुत कम स्टॉक्स को होल्ड किया है। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है कि आज ही बाई करके आज ही बेच दिया है। मान लो कि सुबह के टाइम लो पे बाई किया होगा जब स्टॉक गिरा होगा, एंड वही स्टॉक अगेन जब एंडिंग के टाइम स्टॉक जंप किया तो वहाँ पे सेल कर दिया होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डिलीवरी के माध्यम से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम आगे चेक कर लेते हैं कि अभी के टाइम जो इम्पोर्टेंट डेटा, रेलवे पूरे सेक्टर का क्या डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है, ग्लोबल मार्केट कैसा है, उसके बिहाव पे ही यहाँ पे स्टॉक्स मूवमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेलवे सेगमेंट में आज का परफॉर्मेंस, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आज के दिन राइट्स जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जंप किया है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। RVNL में 1% की गिरावट देखने को मिली है। IRFC में 1.5% का हमें यहाँ पे जंप नज़र आता है। वही इरकॉन की बात की जाए, एक नेगेटिव में था स्टॉक सुबह के टाइम 2-3%, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है वो फ्लैट देखने को मिली है। जुपिटर वैगन 2% भागा है, रेलटेल 1% भागा है, टीटागढ़ के रिजल्ट्स हमें नेगेटिव देखने को मिले स्टॉक के, एंड स्टॉक के अंदर एक गिरावट जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे इन सभी कंपनियों के रिजल्ट्स आना बाकी है। टीटागढ़ की बात की जाए, इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स नेगेटिव आए, एंड स्टॉक जो है ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट अभी के टाइम आपका स्टॉक गिर चुका है 20% के आसपास। तो उस क्या ऐसी सिचुएशन यहाँ पे इन स्टॉक्स में बन सकती है वो भी जानेंगे। अभी के टाइम सबसे पहले हम देखेंगे मिड कैप, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखेंगे सबसे अच्छी बात यह है कि मिड कैप तो आपका गिरा है, बट रेलवे के स्टॉक्स इतने ज़्यादा नहीं गिरे। सुबह के टाइम गिरावट थी, बट एंडिंग के टाइम अगेन बाइंग हमें देखने को मिल गई। वही अभी के टाइम अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मिड कैप की, तो मिड कैप में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक डोजी। अब डोजी के बाद दोस्तों क्या होता है आप सबको पता है, अगर डोजी टॉप पे बन रहा है तो एक नेगेटिव संकेत यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है। तो डोजी यहाँ पे अभी के टाइम हमें टॉप पे देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ मिड कैप में हर जंप के बाद एक सेलिंग होती है, वो 5-6% की होती है। यहाँ पे भी सेम ही हुआ था, जैसे कि यहाँ पे ये गिरावट हुई थी तो वो आपकी गिरावट थी 5% की। अगले टाइम हमें यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली थी ये भी आपकी गिरावट थी ऑलमोस्ट 5%। उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग हहमें देखने को मिली और वो सेलिंग हमें ऑलमोस्ट जो है 3-3.5, एंड जो ओवरऑल इलेक्शन की जो सेलिंग अगर देखी जाए तो कुल मिला के 5% के आसपास।
एंड वही सेलिंग हमें यहाँ पे भी नज़र आई, वो सेलिंग आपकी थी 5%। तो यहाँ पे भी मेरा हिसाब से कहीं ना कहीं मिड कैप जो है वो ऊपर के लेवल से 5% डाउन होना चाहिए, मतलब कि मिड कैप यहाँ से अभी जो जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है वहाँ से मिड कैप ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट और डाउन आ सकता है, ये मेरा पर्सनली मानना है। तो अगर ये ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जो है अगेन रेलवे के ऊपर पड़ सकता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी के टाइम जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, RVNL के रिजल्ट्स आने वाले हैं दोस्तों 8 अगस्त को। अभी देखिए यहाँ पे राइट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक नेगेटिव परफॉर्मेंस मिला, और जुपिटर वैगन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेटर है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव। रेलटेल के रिजल्ट्स आए, ईयर ऑन ईयर बेटर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव। टीटागढ़ के रिजल्ट्स आए, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेटर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव। तो वही चीज़ें अब यहाँ पे इरकॉन, अब देखिए मैक्सिमम रेलवे के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब यहाँ पे मेन कंपनी जो है इरकॉन एंड RVNL इनके रिजल्ट्स आना बाकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक इन्हीं की है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर इन्हीं के पास है, और सबसे ज़्यादा IRFC जो IRFC से जो भी फंड उठाते हैं ये यही कंपनियाँ उठाती है। तो इनके अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो IRFC के ऊपर एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। आज यहाँ पर 2 अगस्त नज़र आ रही है, 2, उसके बाद 3 कल क्लोजिंग है मार्केट, 4 एंड उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 ट्रेडिंग सेशन डे के बाद यहाँ पर इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब IRFC में मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आज की जो तेज़ी दिखी है इसमें हमें एक, पहली बात तो वॉल्यूम कम है, डिलीवरी कम है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चार्ट पैटर्न जो है वो थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है। कैसे, जो मैं रेंज बोल रहा था वो दोस्तों रेंज आपकी ये है, 182 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 182 के अगर नीचे जाता है तो एक बड़ी सेलिंग दिख सकती है, 199 ऑलमोस्ट 200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है जो कि एक राउंड फिगर लेवल है, इससे ऊपर जाता है तो एक बड़ी बाइंग भी दिख सकती है। अब देखिए यहाँ पे जब तक इसके रेंज में है तब तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे नज़र आ सकता है, अगेन कभी 200 जाएगा, कभी अगेन 180 के आसपास आएगा, अगेन 200, अगेन 180, बट जिस डायरेक्शन में यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है उस डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ, स्टॉक अभी के टाइम EMA पे सपोर्ट ले रखा है, अगर मैं EMA की बात करूँ तो EMA लेके आ गया हूँ, EMA में हमें ये देखने को मिलेगा स्टॉक ने EMA पे सपोर्ट लिया, रिवर्सल दिया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन जंप करने की कोशिश किया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन जो जंप आया है वो EMA के ऊपर से ही जंप आया है। तो जब तक ये EMA के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम हमें IRFC में देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो ग्लोबल प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि वॉर की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना नेगेटिव ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। ग्लोबल कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं वीक देखने को मिल रही है। डो फ्यूचर 300 पॉइंट डाउन ओपन हो रहा है। अमेजॉन स्टॉक्स का जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8% डाउन हमें कहीं ना कहीं ओपन होते हुए देखने को मिलेगा आज के दिन। तो जो ग्लोबल कंडीशन है वो नेगेटिव है US की एंड ओवरऑल टोटल ग्लोबल, और उसी के साथ साथ अभी के टाइम जो सिचुएशन है वो वॉर का है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रियल ट्रेडर है, मतलब अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, यहाँ पर दो चीज़ें आती है IRFC में जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन चल रही है। पहली चीज़ तो है लॉन्ग टर्म, अगर कोई लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में अगर किसी का व्यू है 2 साल 3 साल तो उनको कोई, 1 साल 2 साल 3 साल तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मेरा भी व्यू लॉन्ग टर्म रहता है IRFC जैसे स्टॉक में, क्योंकि देश में रेलवे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, रेलवे की ग्रोथ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अभी तक रेलवे ग्रोथ इतनी हुई नहीं है, आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो फ्यूचर तो मुझे रेलवे का ब्राइट लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म 2-3 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग यहाँ पे 2-3 दिन के लिए पैसा बनाने के लिए आते हैं, 5 दिन 10 दिन के लिए पैसा बनाने के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए पैसा बनाने आते हैं, उनके लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम सिचुएशन वॉर की है तो अपना सारा कैपिटल यहाँ पे नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि मान लो आपने सारा कैपिटल लगा लिया, उसके बाद स्टॉक डाउन हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका व्यू था तो शॉर्ट टर्म में आप फंस सकते हो, बट लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मेरा यहाँ पर क्या मानना है, मेरा नॉर्मली सिंपल है, अभी के टाइम ऑलमोस्ट अपनी यहाँ पर IRFC में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि 20% पोजीशन यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। मान लो मेरे पास 100 शेयर खरीदने का फंड है तो 20 स्टॉक्स मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा 185 के लेवल्स के आसपास। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से अभी के टाइम गिर चुका है, कितना परसेंट ऊपर के लेवल से स्टॉक जो है 20% गिर चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक 20% पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करूँगा, 20%। उसके बाद स्टॉक अगर जंप करता है तो 20% के ऊपर प्रॉफिट होता रहेगा, बट अगर गिर गया तो मैं यहाँ पे और ऐड करने की कोशिश कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से हमेशा आपको मनी मैनेजमेंट करके ही चलना है IRFC में, चाहे कोई भी स्टॉक हो, क्योंकि अभी के टाइम वॉर की सिचुएशन है,
तो थोड़ा बहुत हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म में मनी मैनेजमेंट को यूज़ कीजिए, लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ कोई भी बड़ा फंड यूज़ नहीं करना है, छोटे छोटे फंड के साथ यहाँ पे काम कीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो रेंज है 180 to 200, जिस डायरेक्शन में यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक में आज तेज़ी तो बनी है बट वॉल्यूम नहीं है, तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है 8 अगस्त, 8 अगस्त को RBNL एंड निरकॉन कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, तो वो बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर रहने वाला है इस कंपनी के लिए। थैंक यू।